हेलो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही सिंपल सी बिनाई लेके आई हूँ ये बबल वाली बिनाई है ये बच्चों की स्वेटर वगैरह में बहुत अच्छी लगती है आप बच्चों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं इसको फ्रॉक वगैरह में भी डाल सकते हैं देखिए और बहुत ही आसान सी बिनाई है चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन के लिए हमें सिक्स के मल्टीपल में फंदे डालने हैं प्लस फाइव फंदे हमें एक्स्ट्रा डालने हैं तो एडजस्ट करने के लिए छः छः फंदों बिनाई है तो छे छह फंदों के हिसाब से हम इसमें फंदे डालेंगे एक डिजाइन के लिए छे फंदे फिर छ फंदे और उसके बाद हम पांच फंदे इसमें और जोड़ लेंगे तो ये डिजाइन हमारा फिट बैठ जाएगा तो स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको तेईस फंदों में बना के दिखा रही हूँ इसमें तीन बार हमारा डिजाइन बन जाएगा फर्स्ट रो है हमारी सीधी तरफ है इसको हम पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे पहली सिलाई हमें पूरी सीधी सीधी बिननी है ये दूसरी रो है हमारी सेकेंड रो है इसको भी हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे ये वाली सिलाई हम पूरा फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे थर्ड रो है हमारी तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से इसमें देखिए हम पहले पांच फंदे सीधे बिनेंगे तो एक फंदा दो तीन चार पांच अब इस एक फंदे को हमें चार बार बीनना है तो पहले हम इसको ऐसे करके सीधा बिनेंगे अब इसको निकालेंगे नहीं बल्कि इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से इधर से बैक लूप से सीधा बिनेंगे फिर हम इसी फंदे को आगे की तरफ से बिनेंगे ऐसे फ्रंट लूप से इसको सीधा बिन रहे हैं फिर से इसी फंदे को बैक लूप से बिनेंगे पीछे की तरफ से ऐसे तो ये एक फंदे से हमने चार फंदे बना दिए अब जो है ये जो पहला वाला फंदा है इसके ऊपर से हम ये तीन फंदे ऐसे निकाल देंगे एक दो और ये तीन तीनों फंदे निकालिए अब इस बबल को थोड़ा आगे की तरफ करेंगे और आगे के पांच फंदे हम सीधे बिंदेंगे एक दो तो ये छह फंदों की बिनाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है हमारी ये छह फंदे हो गए फिर से रिपीट हो रही है हमारी तो दो फंदे मैंने बिन चुकी हूं मैं तीन चार पांच ये पांच फंदे बिने छठे फंदे को फिर वैसे ही बिनना है एक पर ऐसे सीधे फिर पीछे से सीधा बिनेंगे इसको फिर इसी फंदे को आगे से सीधा बिनेंगे फिर इसी को पीछे से सीधा बिनेंगे और निकाल लेंगे अब जो ये तीन फंदे जो हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं इसके ऐसे इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इन तीनों फंदों को से अब ये थोड़ा आगे की तरफ ला, लाएंगे ऐसे और इस फिर से अपना रिपीट करेंगे पैटर्न पांच फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तीन चार पांच फिर ये छठे वाले फंदे को चार पार बिनना है तो पहले फ्रंट लूप से बिना फिर बैक लूप से इसी फंदे को बिनेंगे फिर से फ्रंट लूप से इसी फंदे को बिनेंगे और फिर से बैक लूप से इसी फंदे को बिनेंगे ये चार एक फंदे से चार बन गए हमारे अब जो पीछे वाले तीन फंदे हैं इसको आगे वाले फंदे के ऊपर से, से निकाल देंगे फिर इसको थोड़ा आगे करा और लास्ट के जो ये पांच फंदे बचेंगे उनको हम सीधा बन लेंगे एक दो तीन चार पांच अब फोर्थ रो है रॉन्ग साइड है हमारी इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसमें हम सारे फंदे उल्ट उल्टे उल्टे बिन लेंगे ये देखिए इस तरीके से बन गया है ये अब इसके बाद फिफ्थ रो है पांचवी सिलाई है ये हम पूरी सीधी बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसमें हम सारे फंदे सीधे बीनेंगे अब सिक्स रो है हमारी छठी सिलाई है इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे तो इसमें सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे अब ये हमारी सातवीं सिलाई है सेवेंथ रो है अब हमें ये बबल इधर बीच में लाने हैं ये ये वाले यहाँ पे बीच में लाने हैं इनके तो पहले छठी फंदे में बन रहा था हमारा बबल अब हमारा जो बबल है वो तीसरे फंदे में बनेगा तो दो फंदे हम पहले सीधे बिन लेते हैं एक दो अब इस तीसरे वाले फंदे में हमें पहले बबल बनाना है तो इस फंदे को चार बार बिनेंगे पहले फ्रंट लूप से बिना फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से बिनेंगे फिर इसी फंदे को आगे की तरफ से ऐसे बिनेंगे फिर इसको पीछे की तरफ से बिनेंगे ऐसे और ये तीन फंदे आगे से ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से इसको थोड़ा आगे कर लेंगे पैटर्न यहां से स्टार्ट करेंगे हम फिर से वही पैटर्न चलेगा हमारा इन तीन फंदों के बाद फिर से वही पैटर्न चलेगा तो पांच फंदे हम आगे के पहले सीधे बिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच अब ये छठे वाले फंदे पे हमें बबल बनाना है तो इसको चार बार बिनेंगे पहले ऐसे फ्रंट लूप से फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से बैक लूप से बिना फिर इसी फंदे को आगे की तरफ से फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे उसके बाद ये तीन फंदे हम ऐसे आगे निकाल देंगे इसको इसको थोड़ा आगे करेंगे फिर से रिपीट करेंगे अपना पैटर्न पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छठे फंदे को वही चार बार बिनेंगे पहले फ्रंट लूप से फिर बैक लूप से फिर फ्रंट लूप से फिर बैक लूप से और फिर इन तीन फंदों को इसके आगे से ऐसे निकाल देंगे फिर इसको आगे कर लेंगे और फिर पांच फंदे सीधे बीन लेंगे एक दो तीन चार पांच, ये पांच पंदे बिने फिर छठे पंदे को वैसे ही दो बार वो करके बिनेंगे एक फिर पीछे से दो फिर आगे से इसे बिनना है और फिर से पीछे से बिनेंगे निकाला और इसको तीन फंदे इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इसको आगे की तरफ करेंगे और ये दो फंदे लास्ट के सीधे बिन लेंगे। लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं वो हम सीधे बिन रो है, आठवीं सिलाई हमारी और इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए पूरा कर लेंगे इसमें सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे कंप्लीट हो गया है पैटर्न अब इन्हीं आठ रो को हम रिपीट करते जाएंगे आठ रो को दोहराएंगे जब आप आठ रो को दोहरा दोहराओगे तो डिजाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा देखिए ऐसा दिखेगा थैंक यू